राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार का दिन है, हरियाली तीज वाला दिन है और मैंने रखा था इस दिन फास्ट। तो वीडियो की शुरुआत मैंने की है जब मेरा काम ख़त्म हो गया था किचन वाला, तब से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। और बाकी की साफ़ सफाई अभी बचती है। तो वैसे मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वीडियो शुरू कर लिया। तो इसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने दलिया डाल दिया था क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में खाना मांगेंगे, और साथ ही मैं छोटे बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया था क्योंकि निकिता मोनिका दोनों घर पे हैं और उनको फिर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे मांगते रहते हैं, खाना दे दो खाना दे दो। तो उस करके मैंने डाल दिया था क्योंकि काम में फिर टाइम भी लग जाता है और एकदम से खाना बनता भी नहीं है। और व्रत वाला दिन ऐसा होता है कि कई बार फिर बंद काम होता नहीं है। और साथ में मसूर की दाल भी मैंने बीन कर रख ली थी, इसी को मैं शाम को बनाऊंगी। और सबसे पहले फिर काम स्टार्ट करने से पहले मैं एक कप चाय पी लूँगी, फिर थोड़ी सी मतलब शरीर में ये रहेगी, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी सी रहेगी और मैं सारा काम आराम से निपटा लूँगी। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने वाले बेडरूम में। तो बच्चे चले गए थे नहाने और आज कह रहे थे कि मम्मी आप रहने दो, हम खुद से नहा लेंगे। तो वो तीनों बच्चे चले गए थे, लेकिन फिर उनकी लड़ाई भी बीच बीच में होती जा रही थी क्योंकि छोटे वाला बच्चा उन्हें नहाने नहीं दे रहा था और बीच बीच में बहुत शोर मचा रहे थे तीनों के तीनों। फिर मैं देख भी रही थी बीच बीच में, लेकिन बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उसके साथ ही मैंने फिर अपना बेडरूम समेट लिया और उसके बाद फिर मैं बच्चों वाले रूम में चली गई थी क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी थी। और पहले तो मैं कह रही थी कि मैं नहला दूँ तुमको, बाल बूल भी उनके धोने थे, लेकिन वो नहीं माने कि हम तो खुद से नहाएंगे। तो चलिए जी, कभी कभी बच्चों को भी उनके मतलब मौका देना चाहिए क्योंकि फिर वो भी काम अपना खुद का काम करना सीख जाते हैं और माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहते, तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है और इसलिए मैं तो सिखाती रहती हूँ। बाकी खुद का काम खुद को करना आना चाहिए क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है कि बहुत ही आलसी हो गई हैं। खाना बनाने में भी आज के बच्चे आलस करते हैं, तो इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, सिखाना जरूर चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना झाड़ू पोंछा ये सब अच्छे से आना चाहिए। और तभी अपनी मतलब ज़िंदगी अच्छे से कटती है क्योंकि काम के बिना तो भाई कुछ नहीं है और घर का काम तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनको कभी कभी थोड़ा बहुत काम कराती हूँ, जैसे प्याज लहसुन छीलने और इस तरह के छोटे छोटे काम मैं करवाती रहती हूँ जब उन्हें पढ़ाई से थोड़ी बहुत फुर्सत हो। वैसे तो वो खुद से मतलब उन्हें होता है कि हम भी करें, लेकिन मैं भी उनको करवा। और उतने में बच्चे आ गए थे नहा धोकर, तो मैंने उनको खाना दे दिया था और वो खाना खाने लगे थे। उतनी मैं अपने बाल बना लूँगी। मैं बाहर आ गई थी, बाहर आ गई थी बालों को बनाने के लिए क्योंकि आजकल बाल बहुत टूटते हैं, तो उसके करके मैं बाहर ही आ गई थी और यहीं पे मैं बना लूँगी अपने बाल। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप मैं करती हूँ, बस वही अपना सिंपल सा लिपस्टिक बिंदिया सिंदूर, और लगा लेती हूँ सनस्क्रीन क्रीम थोड़ी सी, तो बस यही रहता है मेरा तो। और ये सब तो मैंने पहले किया हुआ है, सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ मेकअप। और बाल रहे थे तो वो भी मैंने बना लिए। तो जी, ये शाम का टाइम हो चुका है और घर मेरा बिल्कुल तहस नहस सा हो गया है क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। तो मैं अगेन एक बार साफ़ सफाई इसकी करूँगी। तो आजकल व्लॉगिंग करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं और मुझे नहीं पता है कि क्या कमी है,
मतलब मेरी ब्लॉगिंग में, तो आप लोग जो भी करते हो जिसको भी पता है हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से बनाना चाहिए चाहिए और क्या मतलब ऐसा ब्लॉग में दिखाना चाहिए जिससे मतलब व्यूज़ आए। देखिए गलत कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि कई लोग बहुत ही गलत कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप कर लेती हूँ शाम की साफ़ सफाई और कमरा, तो घर तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से बच्चों ने तहस नहस कर दिया है। तो बच्चे घर पे होते हैं तो यही हाल होता है। तो इसके साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड होता है, मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।